स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 क्या सच में नेटफ्लिक्स के को सीईओ ने रिलीज डेट अनाउंस कर दिया? और साथ में यह भी जानेंगे कि हम शूटिंग और एपिसोड के बारे में और इत्यादि अपडेट। तो आप जान लीजिए, मेरा नाम है अखिलेश, आपका प्यारा साथी, और आप देख रहे हैं एनएफटीवी रिव्यू। और आपका स्वागत है एनएफटीवी इनसाइडर के एपिसोड में। सबसे पहले जान लेते हैं फिल्मिंग के बारे में। तो फिल्मिंग यह अभी बताया जा रहा है कि स्टार्ट हो चुका है, जो कि जनवरी 2024 के अंदर में स्टार्ट हो चुका है, जो कि 8 जनवरी को स्टार्ट हुआ है इसका। एंड अब बात कर लेते हैं इसके जो प्रोडक्शन चल रहा है, फिल्मिंग यानी कि वो कंप्लीट आधा होने के बाद जो जुलाई को कंप्लीट हुआ है, और ये 3 जुलाई को ये कंप्लीट हुआ है। एंड साथ में अभी यह बताया जा रहा है जब हाफ प्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है आधा, तो ये कब खत्म होगा? तो ये भी जान लीजिए कि ये दिसंबर में खत्म हो सकता है 2024 में, और नहीं तो आप 2025 के जनवरी तक खत्म हो जाएगा, उसके बाद ये पोस्ट प्रोडक्शन के लिए चला जाएगा। तो आइए अब जान लेते हैं एपिसोड कितने रहने वाले हैं, क्या लेंथ मूवी लाइक देखने को मिलने वाला है या नहीं, वो सब भी जान लेते हैं। तो एपिसोड हम भी बताया जा रहा है कि इसमें 8 ही देखने को मिलेगा, एंड ये एपिसोड स्प्लिट मूड पे आपको फिर से देखने को मिलेगा, जैसे कि सीजन 4 में हुआ था। तो 2 एपिसोड या सारे के एपिसोड तो मूवी लेवल के ही रहने वाले, लेंथ उतना ही देखने को मिलेगा अराउंड, लेकिन स्प्लिट मॉड्यूल पे देखने को मिलने वाले हैं। हर एपिसोड आपको फील लाइक मूवी देने वाला, एकदम आप मूवी एक से कम नहीं होगा ये। तो स्टोरी की बात करें तो आप तो स्टोरी में आपको इसमें टाइम जंप देखने को मिलने वाला है स्ट्रेंजर थिंग्स में, और पास्ट के वीडियो में भी मैंने बताया था, वो भी आप अगर नोटिस करे हैं तो आप अगर वो सारे वीडियो नहीं देखे तो आई बटन या एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा, तो देख लीजिएगा कुछ वीडियो से, वो आपको समझ में आ जाएगा। काफी कुछ डिटेल उधर भी बताया है जो कि इधर मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। तो आइए अब जान लेते हैं रिलीज डेट के बारे में, क्या सच में सीईओ ने नेटफ्लिक्स के अनाउंस कर दिया रिलीज डेट? तो जी हाँ, अभी ये उन्होंने बताया है कि ये अभी 2025 में रिलीज करने वाले हैं, मगर ये डेट या मंथ नहीं बताए हैं कि आपको देखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर मंथ या डेट को। तो जैसे कि मैंने बताया कि आपको ये देखने को मिल सकता है आपको 2025 के अंत तक, यानी कि मैंने भी रिसर्च करा इसके पीछे और भी डीप लेवल से, तो यह पता लगा कि आपको 2025 के अंत तक देखने को मिल सकता है। जैसे कि अभी मैंने प्रोडक्शन की बात करी, तो वहाँ पर जनवरी तक आपको खत्म हो जाएगा प्रोडक्शन 2025 तक, और उस हिसाब से भी आप अगर देखते हैं तो काफी लंबा समय लगता है पोस्ट प्रोडक्शन में भी, तो ये काफी हैवी सीरीज है VFX के मामले में, तो इस वजह से और आपको टाइम तो लगने वाला है। तो आप मान के चलिए 2025 के अंत तक देखने को मिल सकते हैं, एंड उसके अराउंड में आपको 3 महीने या 6 महीने पकड़िए, उसके अराउंड ही आपको देखने को मिल सकता है। एंड साथ में गिग विग इवेंट आने वाला है, उसके बारे में भी डिटेल काफी कुछ मिलने वाला है स्ट्रेंजर थिंग्स के बारे में, और जितने भी सीरीज आने वाले हैं उनके डिटेल भी मिलेंगे। वेडनेसडे के भी बारे में पता चलने वाला है, और सीईओ ने भी अनाउंस किया कि अभी जो स्ट्रेंजर थिंग्स के साथ में ही कि आपको देखने को मिल सकता है 2025 में वेडनेसडे सीजन 2। एंड बाकी मेरे प्लेलिस्ट स्ट्रेंजर थिंग्स को देखना चाहते हो तो देख सकते हैं, क्योंकि उसमें कास्टिंग एंड रिलीज डेट प्रोडक्शन सब कुछ मैंने उधर बताया है, और भी डीप डिटेल बताया है, एंड पोस्टपोन भी हुआ था बीच में, तो उसके बारे में भी जानना चाहते हैं तो वो क्यों हुआ था वो भी जान सकते हैं। वो सब जानने के लिए आप वो प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा, एंड स्क्रीन और आई बटन पे मिल जाएगा, और तब तक सब्सक्राइब कर दीजिएगा वरना ऑथेंटिक न्यूज आप मिस कर देंगे।